अरे रुको जरा थम के, इतनी भी क्या जल्दबाजी अंदर आने की। पहले अपनी नई मार्केट की आरती और पूजा और फिर गृह प्रवेश तो करवा लेने दो। आप यही रुकिए, मैं भी आता हूँ। ये हमारा नौकर है, पर मैंने उसे कभी नौकर नहीं समझा। आइए मालकिन जी, आपका स्वागत है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। यहाँ तो बिल्कुल आग निकल रही है। कोई बात नहीं डार्लिंग, ये आग अभी शांत कर देते हैं। अब आप आराम कीजिए, अब आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अब बताओ डार्लिंग, क्या चलेगा? कुछ नहीं, अब तो सिर्फ रेस्ट चलेगा। क्या है? क्या हुआ डार्लिंग? ये आपका नौकर अंदर झांक रहा है। हाँ बबलू, क्या बात है? साहब मैं तो इसलिए आया था, आप क्या लेंगे? अभी कुछ नहीं लेते, जाओ आराम करो। अच्छा डार्लिंग, तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, पर क्या करें, काम तो काम है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ ये तो है, लेकिन आप जल्दी करके आना, क्योंकि आपके बगैर मेरा अकेली का मन कैसे लगेगा। अरे डार्लिंग, अकेली कहाँ हो, बबलू भी तो है। नहीं, मैं नौकरों पर भरोसा नहीं करती। तुम ही देख लो, नौकर कहीं ना कहीं वारदात करते ही रहते हैं। अरे नहीं, हमारा बबलू ऐसा नहीं है, मैंने तो उसको भाई की तरह माना है। अरे तुमसे पहले वही तो मेरा ख्याल रखता था। चलो ठीक है, पर आप जल्दी आना। अरे बबलू, जी साहब। अरे देखो, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और तुमने अपनी मालकिन का मेरे से ज्यादा ख्याल रखना है, और तुमने कोई भी लापरवाही की, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। जी साहब, मैं मालकिन का पूरा ध्यान रखूंगा। अच्छा डार्लिंग, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय बाय।
बबलू, बबलू। जी मैम साहब। मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। जी जी मैम साहब। जान कितना तड़पाया है तुमने मुझे। देखो तुम्हारी याद में कितना फड़फड़ा रहा है ये दिल। अरे ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। क्या बताऊं, बिल्कुल चिपकू हो रहा है, एक मिनट भी अकेली को छोड़ने को तैयार नहीं। तो शुक्र मानो वो बाहर चले गया और तेरे से मिलने का समय मिल गया। अच्छा डार्लिंग, क्या प्रोग्राम रहा, बात कहाँ तक पहुंची। ये क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, बहम। हाँ ये बहम की तो आपको पुरानी बीमारी है। अब बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है। और अब का प्रोग्राम। क्या देख रहे हो? जी मैम साहब कुछ नहीं। तुम्हारा भी वो इरादा है क्या जो और नौकरों का होता है? अरे नहीं मैम, हम बहुत वफादार इंसान हैं। अच्छा आज हम आपकी वफादारी ही देखते हैं। आप एक बार आदेश देकर तो देखिए, बंदा हर मुकाम पर खरा उतरेगा। बबलू आज बदन बहुत दर्द कर रहा है, पूरे शरीर की नस चस चस करने लग रही है। फिर मैम मैं आपके लिए पेन किलर लेके आता हूँ। अरे नहीं ये दर्द पेन किलर वाला नहीं है।
फिर मैडम मुझे क्या करना होगा? तुझे तो ऐसा कर, मेरे पूरे शरीर को अच्छे से दबा दे। अरे मैम, आज बहुत थकावट महसूस कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो और मुझे आराम करने दो। मैडम जी, बोलो। सारा काम निपटा दिया है और खाना बनाकर रख दिया है। इतनी जल्दी? आज मेरे भाई के लड़के का बर्थडे है, मुझे वहां जाना है और देर शाम तक आ पाऊंगा, होश के तो ना भी आऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से आ जाना। जी मैम। अरे जानू, इतनी जल्दी? जल्दी तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है जिंदगी में? हम तो वैसे भी आपके बगैर बेचैन रहते हैं। तो चलिए आज आपकी बेचैनी ही दूर कर देते हैं। अरे डार्लिंग, हम तो वैसे भी आपके हुस्न के दीवाने हैं। ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे फिर वही बहम। लगता है ये बहम की बीमारी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। क्यों काम का टेंशन लेते हो? एंजॉय करो। डार्लिंग, मुझे अभी जाना है। ये कौन हो सकता है? अरे इतनी भी क्या जल्दी, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। ये मालकिन किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही है? चलो देखते हैं। अरे बबलू, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की?
मैम, ओ मैम, काम जल्दी नहीं मिट गया था, इसलिए मैंने सोचा घर चल, मैम अकेली हैं। कम से कम दरवाजा तो खटखटाना चाहिए था। जाओ तुम अपना काम करो। अरे इसको कहाँ भेज रही हो? इसने तो हम दोनों को एक साथ देख लिया। इसने तो हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। इसको तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तो फिर बबलू, अरे आ गए आप? हाँ। मेरा तो आपके बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। अरे क्या करे, दिल तो हमारा भी नहीं लग रहा था, पर काम तो काम ही होता है ना। आपके बिन एक एक दिन सदियों जैसा लग रहा था। अब हम आ गए हैं ना, सारा इंतजार खत्म कर देंगे। अरे जनाब, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले सफर की थकान तो दूर कर लीजिए। अरे वही तो करने जा रहा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। अरे तुम क्यों? बबलू कहाँ गया? बबलू तो अपने घर गया है। फिर आप बगैर नौकर के कैसे काम चला रही हो? रखा है ना मैंने अपना वो नया नौकर। अच्छा, कहाँ है, मिलवाओ तो सही। अरे हम भी तो करें उस महान आत्मा के दर्शन जो हमारी जान ने रखा है। रामू, ये है हमारा नया नौकर रामू। नमस्ते साहब। रामू या राम सिंह? और तुम्हारा लवर, तुम्हारी करतूतों के और पन्ने खोलूं या इतने ही काफी हैं? अच्छा तो तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि बबलू को भी तुमने ही। हाँ, बबलू को भी हमने ही, और अब तुम्हें भी। दोनों ने दुनिया को बहुत ठगा है और तुम्हें जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ाने के लिए ये सबूत काफी है। हाँ सर, आप बताइए इनका क्या करना है। डाल दे इनको सलाखों के पीछे,